किलोमीटर के रेंज तक ही बना सकते थे, लेकिन अब हम लोग उसका सदस्य हो चुके हैं, तो इसलिए अब हम लोग 600 किलोमीटर तक की मिसाइल बना चुके हैं और सैनिक को दे चुके हैं। परीक्षण करके अगर हाल ही में पाकिस्तान में हुआ था, परीक्षण करके दे दिया गया। अब आते हैं इसका नाम कैसे प्रमुख पड़ा, बनाने में भारत और रूस दोनों का अहम भूमिका है, दोनों ने मिलकर के बनाया है। तो रूस के जो नदी है और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के ब्रह्मोस नाम पड़ा है। अब इसके वर्ग के बारे में बताएं, इसका वर्ग ये वर्ग कैसे करता है, मान लीजिए तो हम ऊपर से एक चित्र के माध्यम से बनाया है। इसका वर्ग इसमें एक कैप होता है, इस कैप का कोई मतलब नहीं होता है, बस ये इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे हवा आती है, इसलिए इसमें कंकड़ पत्थर ना आ जाए, इसके लिए कैप लगाया है। सबसे पहला जो होता है बेस पूरा डार्क होता है, क्योंकि ये इसलिए इतना डेवलप है और इतनी विकसित मिसाइल है कि यहाँ पर रडार होता है और अन्य मिसाइलों में रडार की कमी नहीं होती है, इसलिए इसे ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब एक बार जाता है अपने मिशन के लिए लौटता है। एक रडार होता है और लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से हम वहाँ पे फिट करते हैं टारगेट और वहाँ पे देखते हैं, तो रडार पहले ही होता है, मतलब कोई जहाज आ रही है उसको टारगेट दे रहे हैं मारने के लिए, तो जहाज इधर भी जाती है, इधर नीचे भी उठती है, तो इसलिए इसको मुड़ा भी जाता है और रडार के माध्यम से ही हमको पता चलता है कि जहाज अपने डायरेक्शन इसका डायरेक्शन चेंज कर सबसे मेन जो होता है जहाँ पर वहाँ जो दबाई होता है ब्लास्ट करता है वो वायर हेड के नाम से जाना जाता है, इतने इतने एरिया में होते हैं, उसके बीच में फ्यूल होता है जो लिक्विड फ्यूल होता है, जब यहाँ से हवा आती है यहाँ से हवा आने के लिए बनाया जाता है, वहाँ से हवा आती है तो ये लिक्विड पंप होता है, फ्यूल पंप वो पंप करता रहता है, जब पंप करता है तो हवा आती है तो फ्यूल में बदल जाता है। उसके बाद यहाँ पे रैम जो इंजन होता है, वही इसको लेकर के चलता है और वहाँ पे आने के बाद आप देखिए तो लाइट चलती है, पहले लाइट चलने लगा वहाँ पे फिर शिफ्ट होता है और वो वहाँ पे दुखी कर देता है और वहाँ पे आग लग जाती है, और आज जब रेंज पे लगता है इंजन पे लगता है तो उसके बहुत तेजी गति से आग लगाता है, उसकी जो रेंज है 3400 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रफ्तार से ही चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग आगे भी जानकारी देते रहे लोगों को।